संसद में हुई सुरक्षा चूक के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से सदन में आकर बयान देने की मांग पर सदन में आज विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामा करते हुए कुछ सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए और तख्ती लेकर सदन में पहुंचे, जिसके बाद 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं निलंबित सांसदों ने इस फैसले का विरोध किया और सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है, लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। निलंबित हुए सांसद कांग्रेस के नेता अब्दुल खालिक ने बताया कि हम बस सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं। देखो, हमने क्या मांगा था, जो 13 तारीख को जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ सरकार से उसका ही जवाब मांगा था। आज तक सदन में चर्चा नहीं हुआ, गृह मंत्री जी सदन में नहीं आया, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आया। हमने सिर्फ 4 के पास जाके पूछा कब गृह मंत्री जी सदन में आएगा। हमने सिर्फ सरकार से यही जवाब मांगा, हमारा सिक्योरिटी, संसदों का सिक्योरिटी, देश कब सुरक्षित होगा, संसद कब सुरक्षित होगा, ये सवाल मांगने से, ये प्रश्न मांगने से ये लोग हमें सस्पेंड किया। अरे अभी तक रमेश भिदुरी का खिलाफ कुछ नहीं किया, अभी तक प्रताप सिंह जिन्होंने पास इशू किया उन्हें उनका खिलाफ कुछ नहीं किया, हमने जवाब मांगा, हमको सस्पेंड कर दिया। वहीं कांग्रेस के अन्य नेता गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा सदन चलाने की मंशा से सत्ता में नहीं आई है, बल्कि वे सदन की प्रक्रिया को भंग करने की मंशा से यहाँ आए हैं। संसद चलाने के उद्देश्य से वो सत्ता में नहीं आए हैं, सदन को भंग करने के, पार्लियामेंट प्रक्रिया को भंग करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को तोड़ने के उद्देश्य से आए हैं। सदन चलाने की मंशा उनकी नहीं है, सदन नष्ट करने की उद्देश्य और मंशा से वो आज सत्ता में आए। वहीं सदन से निलंबित हुए कांग्रेस के एक अन्य नेता अमर सिंह ने बताया कि हमारी मूल मांग है कि अमित शाह सदन में आए और बयान दें कि यह सुरक्षा चूक कैसे हुई। हमारी मूल मांग है शुरू से वो ये है कि ये बहुत बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी की और होम मिनिस्टर को आके हाउस में सारा घटनाक्रम और कार्रवाई क्या कर रहे हैं और आगे कैसे नहीं होगी वो आके बताएं, ये हमारी मांग है। सत्ता पक्ष ने क्या किया कि वो हमारे एमपीज को सस्पेंड करना शुरू कर दिया, तो हम पिछले दिनों से उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई सस्पेंशन का क्या मतलब है, आप हमारे एमपीज को बहाल करो और दूसरा होम मिनिस्टर आके यहाँ अपना बताएं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे आप क्या करोगे, बात तो इतनी सी है। वहीं निलंबित सांसदों ने इस फैसले के विरोध में संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया।